आपका टेक्निकल मैकेनिकल चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एक नया वीडियो नंबर 6 रिलीज करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा होगा थर्मोडायनेमिक्स, जो पेपर 2 में कवर करता है। तो आज हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की, जो सब्जेक्ट 2 में है। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 1, द एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट विच इज गिवेन बाई। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड ऑप्शन इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्शन नंबर सी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्शन नंबर डी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड ऑप्शन नंबर ई लॉ ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो एज पर नो दैट द एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, दैट इज द डेल्टा ई, डेल ई इज इक्वल टू डेल W, दैट मीन टोटल यहाँ पे हमारी जो एनर्जी होगी वो वर्क डन में ट्रांसफर हो जाएगी फॉर द क्लोज सिस्टम। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड क्वेश्चन इज सीरीज ऑफ ऑपरेशन विच टेक प्लेस इन ए सर्टेन ऑर्डर एंड रिस्टोर द इनिशियल कंडीशन एट द एंड इज नोन एज। तो ये हमारे ऑप्शन नंबर ए है रिवर्सिबल साइकिल, ऑप्शन नंबर बी इरिवर्सिबल साइकिल, ऑप्शन नंबर डी थर्मोडायनेमिक साइकिल एंड ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। तो एज पर द क्वेश्चन सीरीज ऑफ ऑपरेशन विच टेक प्लेस अ सर्टेन ऑर्डर एंड रिस्टोर इनिशियल कंडीशन टू द एंड कंडीशन इज नोन एज द थर्मोडायनेमिक साइकिल। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी थर्मोडायनेमिक साइकिल। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इनिशियल कंडीशन एट द एंड कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 3, हीट एंड वर्क आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन। तो एज वी नो दैट हीट एंड वर्क इज द पाथ फंक्शन, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ प्रोसेस, नॉट ए पर्टिकुलर ए पॉइंट। हियर हीट एंड वर्क आर द पाथ फंक्शन, इट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी एग्जाम में पूछा गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम हुज वैल्यू फॉर द एंटायर सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर वैल्यूज फॉर इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे हमें बताना है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, ऑप्शन नंबर बी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ऑप्शन नंबर सी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड ऑप्शन नंबर डी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। तो एज वी नो दैट इंटेंसिव प्रॉपर्टी दैट मीन्स इनडिपेंडेंट ऑन मास, ठीक है। जितनी हमारी जो प्रॉपर्टीज होती है, जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी है जो हमारे मास पे इंडिपेंडेंट होती है, इज नोन एज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दैट डिपेंड अपॉन द मास। तो हियर वी यूजिंग ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4, राइट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो जैसे हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे वैल्यूम, इंथैल्पी और एंट्रोपी इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी, सपोज जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी एंड हार्डनेस, इट इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो हमारे मास पे हमारे डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी लाइक टेम्परेचर, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, थर्मल कंडक्टिविटी, विच इज द एबव प्रॉपर्टी इज एन द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ऑलरेडी हमने इसके जस्ट एबव क्वेश्चन हमने यहाँ पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताया। तो यहाँ पे टेम्परेचर, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, थर्मल कंडक्टिविटी, ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए में फर्स्ट ओनली, ऑप्शन नंबर बी 2 एंड थर्ड ओनली, ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 4 ओनली एंड ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 एंड 4। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। तो हियर ऑल प्रॉपर्टीज आर द इंटेंसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एन ओपन सिस्टम, तो बेसिकली दो हमारे सिस्टम्स होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड थर्ड इज द आइसोलेटेड सिस्टम। यहाँ पे देखना, एन ओपन सिस्टम इज ए स्पेसिफिक स्पेसिफाइड रीजन वेयर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मास आर टेक प्लेस। ऑप्शन नंबर बी, इन रीजन ए कॉन्स्टेंट मास एंड ओनली एनर्जी इज अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्रीज। ऑप्शन नंबर सी, कैन नॉट ट्रांसफर आइदर एनर्जी और मास फ्रॉम द सराउंडिंग। ऑप्शन नंबर डी, हैज एंथैल्पी ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री एंड मास विद इन द सिस्टम इज नॉट नेसेसरी कॉन्स्टेंट। हम लोग जानते हैं जैसे एज वी नो दैट ओपन सिस्टम वेयर द मास एंड एनर्जी ट्रांसफर बोथ, इन क्लोज सिस्टम
मास डज नॉट ट्रांसफर एंड एनर्जी विल बी ट्रांसफर. ऑसिलेटर सिस्टम मास एंड ट्रांसफर, मास एंड एनर्जी बोथ आर नॉट ट्रांसफर हियर. तो इन द ओपन सिस्टम ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर, जहां पे हमारा क्या होगा, एनर्जी और मास दोनों हमारे यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द लॉ विच प्रोवाइड बेसिक ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट. तो हमारे पास ऑप्शन दिया थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्शन नंबर बी गिरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड ऑप्शन नंबर डी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो एज पर नो दैट गिरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स यूज फॉर द बेसिक मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर. अब होता क्या है, सपोज दैट हमारे पास थ्री बॉडी है, बॉडी 1, 2 एंड 3. तो बॉडी 1 और 2 हमारे इक्विलिब्रियम कंडीशन में, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में, और बॉडी 2 और 3 भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है. तो फर्स्ट एंड थर्ड इज ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दिस इज द गिरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करेंगे 8 की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी. तो एज वी नो दैट वॉल्यूम इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और बाकी हमारी क्या है यहाँ पे, सभी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर एक्सर्ट बाई गैस इन क्लोज कंटेनर. ठीक, ऑप्शन नंबर है वर्क फंक्शन ऑफ डेंसिटी एंड टेम्परेचर, सेकेंड वीक्स फंक्शन ऑफ डेंसिटी एंड वैल्यूम, एंड ऑप्शन नंबर सी स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ डेंसिटी एंड टेम्परेचर, एंड ऑप्शन नंबर डी स्ट्रॉन्ग फंक्शन डेंसिटी एंड वैल्यूम. तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पे अगर कोई प्रेशर एक्सर्ट हो रहा बाई गैस इन ए क्लोज कंटेनर, तो स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ डेंसिटी एंड टेम्परेचर. राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की तरफ मूव करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट ए पाथ फंक्शन, हीट, वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, ये हमारे क्या है, सभी यहाँ पे पाथ फंक्शन होते हैं. एक केवल थर्मल कंडक्टिविटी है जो हमारा वो पॉइंट फंक्शन होती है. राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इट इज नॉट ए पाथ फंक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 11 की तरफ मूव करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज गिवेन बिलो इन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, कंपोजिशन, वैल्यूम, काइनेटिक एनर्जी और एंट्रोपी. ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी जो हमारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, दैट मीन द कंपोजिशन. ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 12, बाय मेटालिक स्ट्रिप मेड ऑफ टू डिफरेंट मटीरियल्स बीइंग ड्यूरिंग अ राइज इन टेम्परेचर बिकॉज ऑफ, ऑप्शन नंबर ए डिफरेंसेस इन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ऑप्शन नंबर बी डिफरेंसेस इन इलास्टिक प्रॉपर्टीज, ऑप्शन नंबर सी डिफरेंसेस इन थर्मल कंडक्टिविटी, एंड ऑप्शन नंबर डी डिफरेंसेस इन स्ट्रेसेस. तो राइट आंसर हमारा क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डिफरेंसेस इन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कंडीशन फॉर ए रिवर्सिबिलिटी ऑफ ए साइकिल. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस मस्ट नॉट डिफर. ठीक है, फॉर फ्रॉम दोज ऑफ द सराउंडिंग ऑफ एट एनी स्टेज इन द प्रोसेस. ऑप्शन नंबर बी ऑल द प्रोसेस टेकिंग इन द साइकिल ऑपरेशन एंड मस्ट बी स्टेमली स्लो. ऑप्शन नंबर सी द वर्किंग पार्ट्स ऑफ इंजन मस्ट बी फ्रिक्शन फ्री, एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव. तो हम लोग जैसे देख रहे हैं कि एबव थ्री कंडीशन जो हमारी है वो सभी क्या करती है, रिवर्सिबिलिटी साइकिल को सेटिस्फाई करती है. तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा इसका, राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 14 की तरफ देख रहे हैं. 14 हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस. इरिवर्सिबल प्रोसेस, ऑप्शन नंबर ए पॉलीट्रॉपिक एक्सपेंशन ऑफ फ्लूइड, ऑप्शन नंबर बी अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, ऑप्शन नंबर सी आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एंड ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोलिसिस. तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस दैट इज द अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस इज द कैटेगरी ऑफ द अन इरिवर्सिबल प्रोसेस. ये हमारा क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस में काउंट होगा. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज ए थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी और इंट्रोपी. तो इसमें क्या होगा हमारा, राइट आंसर क्या होगा बेटा, इंथैल्पी इज द थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, थ्रोटलिंग, एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव. तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो थ्रोटलिंग प्रोसेस होगा वो हमारा क्या होगा, एज ए रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस की तरह हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं. तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल प्रोसेस. तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुआ है, थ्रोटलिंग, फ्री एक्सपेंशन, कॉन्स्टेंट वैल्यूम एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर, ऑप्शन नंबर डी इज द आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक.
So as we know that here the thermodynamic reversible process, option number C is the isothermal and adiabatic. Option number D is the right answer. The most efficient method of compressing air is to compress it. Question number 18. The most efficient method for compressing air is to compress it. Adiabatically, isentropically, isothermal and isochrotically. I know that here the most efficient method of compressing air is to compress it as a isothermally. So right answer hamara kya hoga? Option number C. Next question number 19. The internal energy of an ideal gas is the function of pressure only, absolute temperature only, pressure and volume. Option number D is the pressure, volume and temperature. So internal energy for ideal gas is the function of absolute temperature only. So right answer hamara kya hoga? Option number B is the right answer. Next is the question number 20. Work output from a system is that expense of internal energy in non-flow process carried out. Option number A is constant pressure. Option number B, constant volume. Option number C, adiabatically. Option number D is the polytropically. Right answer hamara kya hoga? Adiabatically. So these are the most 20 questions. ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें. थैंक यू.